ज्ञान सागर एजुकेशनल ग्रुप प्रेजेंट्स ई स्कूल। बच्चों, ये हिंदी रीडिंग बुक में पेज नंबर 29 में ए की मात्रा की एक्सरसाइज दी हुई है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। ये देखिए, नंबर 1 पर क्या दिया गया है, चित्र पहचान कर एक की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं और शब्द भी लिखे हैं, पर इन शब्दों में एक की मात्रा नहीं लगाई है। आपको एक की मात्रा लगानी है और उस शब्द को पूरा करना है। देखिए, ये कौन सा चित्र है, ठेला। अब ठ ल, ल में आ की मात्रा ला, ठला। यहाँ पे लिखा है ठला, तो एक ही मात्रा कहाँ लगेगी, ठ पे। हम ठ पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द पूरा हो जाएगा। ठ, ठ में एक ही मात्रा ठे, ल, ल में आ की मात्रा ला, ठेला। अब इस तरीके से ये देखिए कौन सा चित्र है, ये शेर। आपको ये पढ़ना है और आप जब आप बोलेंगे ये कौन सा चित्र है शेर, तो बोलने से ही समझ में आ जाएगा कि एक ही मात्रा कहाँ लगेगी, श के ऊपर लगेगी। अभी क्या है, केतली। आपको पढ़ना है और सही मात्रा लगाना है। ठठेरा, पेड़, बेलन। अभी देखिए नंबर 2 पर क्या है, एक ही मात्रा वाले 10 शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको 10 लाइनें दी हुई हैं। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक ही मात्रा के कोई भी 10 शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, चलिए जैसे एक हम लिख देते हैं, सेब। स, स में एक ही मात्रा से, ब, सेब। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये लाइन्स हैं आपको कोई भी 10 शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पर देखिए क्या लिखा है, एक ही मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए और लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में एक ही मात्रा लगानी है और हमें यहाँ पर लिखना है। स, व, र, र में आ की मात्रा रा, सवरा। सवरा तो ये गलत शब्द है, सही शब्द कौन सा है, सवेरा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स, व, व में ए की मात्रा वे, र, र में आ की मात्रा रा, सवेरा। इसी तरीके से पढ़िए आप, ह, व, ल, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, हवली। हवली कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता है, सही शब्द कौन सा है, हवेली। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हवेली। ह, व, व में ए की मात्रा वे, ल, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, हवेली। बस इसी तरह से आपको ये सब पढ़ना है और आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि इसका सही शब्द कौन सा होगा। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।